वेलकम बैक टू माय चैनल मी अंशिका। फ्रेंड्स, आप स्टैंड देख रहे हैं? ये है मेरा पेंसिल स्टैंड जो मैंने पेपर और कार्डबोर्ड से बनाया है। आपने भी सीखना है मैंने कैसे बनाया, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। आप वन शीट लीजिए, इस कॉर्नर में इसको ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। पेंसिल को जब हम अंदर, अगर आप पेंसिल के बिना कर रहे हैं वो भी ओके, अगर आप पेंसिल के साथ कर रहे हैं तो पेंसिल को बार बार लाते रहिए ताकि वो अंदर ना चला जाए, और जब वो थोड़ा आपको लगे टाइट हो गया तब आप उसका, तब आप अपनी जो पेंसिल उसको हटा सकते हैं। आप चाहे तो टेप से भी सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जब हम उसको पेन स्टैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ना है। ये देखिए, अगर आप टेप लगा रहे हैं तो बस मैं तो दोनों से सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप से मैंने इसको सिक्योर किया है। बस अब ऐसे ही मैं बाकी के 9 पेपर रोल्स भी रेडी कर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 रोल्स बना लिए। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इनको ट्राइंगल की शेप देना। तो चलिए देखते हैं कैसे देना है हमको ट्राइंगल की शेप। तो आपको लेना, अब ऐसे ही सारी कटिंग्स को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हम फिर ट्रायंगल कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे रूल्स की कटिंग भी कर ली है, ये सारे इक्वली कट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड स्टेप पे हमारा, फर्स्ट स्टेप हमने रोल्स बनाए, सेकेंड स्टेप में कटिंग की, अब थर्ड स्टेप में हमने इनको ट्राइंगल की शेप के लिए इनमें मार्क करके और उसको ट्राइंगल की शेप देना है। तो चलिए वो भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा अपने शेप देना है। तो आप अपनी ले रहे रोल में तो 3 है, अब इन्हीं एंड्स पे हमने फोल्डिंग करनी है अभी एक साथ। तो मैं इनको उल्टे की तरफ करूंगी ताकि इजीली फोल्ड हो जाए स्टेप से। अब इसको मैं टेप से सिक्योर करने वाली हूँ, आप चाहे तो फिर भी कॉल भी यूज कर सकते हैं। पर टेप से सिक्योर करने से, अगर आपको कुछ स्क्वायर फॉर्म करना है या आपने रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तो उनकी मेजरमेंट अलग होगी। तो मैं इसलिए इसको मैं टेप से सिक्योर करूँ ताकि अगर, ये देखिए इजी एंड सिंपल ट्राइंगल इज रेडी। बहुत इजी है, बस आपने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं ऐसे सारे बना के आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनके अरेंजिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको पेंट करेंगे जो हमारा स्टेप नंबर 5 है। मैं आपको वापस बता देती हूँ, स्टेप 1 था रोल्स बनाना, स्टेप 2 था इनको कट करना, 3 मार्क करना, 4 फोल्ड करके पेस्ट करना, 5th स्टेप इनको पेंट करना। तो चलिए करते हैं। लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ एक येलो एंड व्हाइट का पैटर्न, तो इसलिए सिर्फ मैं 5 को ही पेंट करने वाली हूँ। तो ये 5 मैं पेंट कर रही हूँ और ये बाकी के लेफ्ट 5 मैं साइड में कर रही हूँ। अब इन्हें अरेंज कर रही हूँ, तो मैं बेस दे रही हूँ रेड का, ये है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो स्टैंड है वो कुछ ऐसा लग रहा है, मैं आपको फूल दिखाती हूँ, दूर हो गया मुझे पता नहीं चल रहा अच्छे से। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको सूखने के बाद। फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा तो रेडी हो गया है। ये मैंने ये अच्छे से फेविकॉल मैंने यूज करके इसको चिपकाया था और ये बहुत अच्छे से थोड़ा मैंने टाइम दिया सूखने के लिए और सूख भी गया। अब इसका मुझे बेस बनाना बाकी है जिससे नीचे का भी पार्ट गंदा ना हो, मैं उल्टा रखूँ या सीधा रखूँ पेंसिल। तो चलिए बेस भी कर देते हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर 1-2 घंटे के छोड़ सकते हैं। मैं तो इसको, मैंने स्टैंड को मैंने सुबह स्टार्ट किया था और ये मैंने लगभग पूरे दिन सुखाने का टाइम दिया, ओनली पेपर्स पर रख देती हूँ। एज हमारा मेन टूल ये ही है, ये पेंसिल, ये दो ही रखा है। लेकिन ये मेरे स्कूल प्रोजेक्ट था, हमको
प्रोजेक्ट हमको आज आर्ट एंड क्राफ्ट में मिला था कि हमने एक पेंसिल स्टैंड करना है, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते थे। तो ये देखिए कितना अच्छे से बन गया। आप और फ्रेंड्स इसकी एक और खूबी है कि ये जो कॉर्नर्स का ट्रायंगल गया है ना, वहां पे भी जाएगा। मैंने जैसे देखा था कि मुझे लग रहा है जाना तो चाहिए फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स मुझे कोर्स पेस मिल गए। तो फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए कि साइड्स में इनको ना लग रहे हैं, बिकॉज ये बहुत टाइट होता है। तो मेरी तो मेन स्पेस है ये बिल्कुल वाली। तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो मेरे पेन स्टैंड कर। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मेरे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।